नमस्कार, को फिर स्वागत है टुडेज के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम। और आज हम फिर से हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर के साथ। और खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चला है एक बड़ा दाव और यूपी में फिर से माफ़ किया जा सकता है किसानों का कर्ज। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 के पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला ले सकती है। और सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से किसानों का कर्ज माफ़ करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार जिला स्तर पर इसके लिए सर्वे भी करवा रही है और इस सर्वे का मकसद उन किसानों की पहचान करना है जो पिछली बार कर्ज माफी का लाभ नहीं उठा पाए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का दावा किया था। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक तब कई किसानों को आंशिक कर्ज माफी भी मिल पाई थी। वहीं कई किसान तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से कर्ज माफी का लाभ नहीं उठा पाए थे। योगी सरकार इस सर्वे के द्वारा ऐसे किसानों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अगर योगी सरकार इस कदम को अमली जामा पहनाती है तो लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को लुभाने की कोशिश में इससे बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। बता दें कि 2017 में सरकार बनते ही योगी कैबिनेट ने सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया था और राज्य सरकार ने इसके लिए 32,000 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा भी की थी। किसानों की कर्ज माफी एक बार फिर से चर्चा में तब आई जब पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस के इन तीनों राज्यों में चुनाव के दौरान किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सफलतापूर्व उठाया गया एक कदम था। बता दें कि वादे के मुताबिक तीनों राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने सरकार बनाते ही पहले काम के रूप में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस की प्रो फार्मर छवि के रूप में पेश किया है। किसानों की कर्ज माफी के बाद राहुल ने कहा है कि उन्हें जो कहा वो पूरा कर दिखाया। राहुल ने यह भी कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। राहुल ने यह कहकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है कि अगर मोदी कर्ज माफ नहीं करते हैं तो वह 19 में सत्ता में आने के बाद किसानों को कर्ज माफी की सौगात देंगे। राहुल ने यह भी कहा था कि मोदी जब तक देश के किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन पर इतना दबाव डालेंगे कि उन्हें सोने नहीं देंगे और कर्ज माफ करवा करके रहेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी नेतृत्व ने कई मौकों पर कर्ज माफी के प्रस्ताव पर विचार मंथन भी किया था। हाल ही में झारखंड की बीजेपी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए उनके खाते में सीधे 5,000 रुपये ट्रांसफर करने का ऐलान भी किया है। तो एक बार फिर से आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2019 के, वो कहीं ना कहीं किसान के ऊपर जाकर के टिकता दिख रहा है। मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं इस बारे में चिंतन मंथन करती हुई दिखाई दे रही है और योगी सरकार ने तो इसे यूपी में फिर से लागू करने का विचार बना लिया है। यह थी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और किसान से जुड़ी हुई एक बेहद ही अहम खबर। हम फिर से हाजिर हों कुछ नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने कमेंट्स भी शेयर करें।